गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करवाने वाले हैं क्लास टेंथ आपकी हिंदी की जो बुक है क्षितिज भाग दो, क्षितिज भाग दो का पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है संगतकार। तो आज हम संगतकार की व्याख्या इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए करते हैं चैप्टर को चालू। सबसे पहले संगतकार के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका परिचय हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो कवि परिचय है, कवि का नाम है मंगलेश डबराल। कवि का नाम क्या है? मंगलेश डबराल। तो इन्होंने अपनी कविता में लिखा है, इन्होंने अपनी कविता में जैसे संगतकार के बारे में बताया है, इनका जन्म जो है मगर वो 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में काफ़ी पलन गांव में हुआ था और शिक्षा देहरादून में हुई थी। दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास के काम करने के बाद से पूर्व प्रग्रह सहायक संपादक में रूप में जुड़े हुए थे। इलाहाबाद में लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में उन्होंने कुछ दिन नौकरी करी। बाद में उनके 1893 में जनसत्ता अखबार में साहित्यिक संपादन का पद संभाला। कुछ समय सहारा संपादन समय रहने के आजकल नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गए। मतलब कि इन्होंने ना ज़्यादातर अपना काम जो है वो संपादक से जुड़ा हुआ करा है। इन्होंने अखबारों में या फिर पत्रकारिताओं में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से इनकी काफ़ी है प्रमुख रचनाएं, जिनमें से मैं आपको कुछ छंद प्रमुख रचनाएं वो बताऊंगा। पहली जो है इनकी कविता संग्रह। कविता संग्रह के अंदर है जैसे कि पहाड़ पर लालटेन और इनकी जैसी प्रमुख काफ़ी सारी रचनाएं हैं, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। तो ऐसी इन्होंने काफ़ी सारी प्रमुख रचनाएँ रची। आगे वो बताती हैं इनके जो पुरस्कार है, पुरस्कार इन्होंने काफ़ी सारे लिए हैं, जैसे कि उसमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान जैसे निम्नलिखित पुरस्कारों का इसमें वर्णन करा है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है कवि के प्रमुख कार्य जो मैंने आपको बताए, ये था लेखक परिचय। तो अब हम करते हैं अपने चैप्टर को चालू, जिसका नाम है संगतकार। संगतकार कविता जो है एक कवि ने गायक के माध्यम से लिखी है। कविता की व्याख्या हम करेंगे, पहले आपको धीरे धीरे गायन गा के सुनाएंगे, फिर आपकी व्याख्या बताएंगे उसकी। सबसे पहले कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह अवकाश सुंदर कमजोर कांपती हुई रहती। एक मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सिखाने वाला कोई दूर रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में अपने गूंज मिलता आया प्राचीन काल से। यहाँ पर देखो क्या करा गया है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है एक तरह से कविता बनाने की कोशिश करी गई है, मगर ये एक तरह से कविता नहीं है, ये पाठ के जो पैराग्राफ होते हैं, जो आप बोलते हो ना जिनको स्टैंजास को मिला के काट काट के उसको पैराग्राफ मतलब गायन पोएट्री जैसा बनाने की कोशिश करी है कवि ने। तो यहाँ तक मैं आपको पहले इसकी हिंदी बताता हूँ, प्राचीन काल से। तो चलते हैं व्याख्या। तो अभी हमने जैसे कि इसमें पढ़ा था, कुछ इसमें शब्द आए थे, जैसे कि पहला शब्द आया था संगतकार, जिसका मतलब होता है मुख्य गायन के साथ गायन करने वाला कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार, सहयोगी भी कह सकते हो। गरश माने होता है ऊंची गंभीर आवाज़। अंतरा माने होता है स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल मतलब कठिन। तान माने होता है संगीत के स्वर का विस्तार करना। सरगम मतलब गीत के सात स्वर, उनको सरगम कहा जाता है। अनहद माने होता है योग अवस्था, साधना और आनंदिक स्थिति को बनाए रखना। तो ऐसी इन्हीं तरह इसका मतलब है यहाँ पे जो बार 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 बनाया जाता हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा स्थाई का मतलब ऐसी चीज़ गीत का चरण या फिर जो बार बार बनाया जाता हो या गाया जाता हो, उसको बोल सकते हैं एक तरह से आप टेक। नौसखिया मतलब होता है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, जो अभी नया नया सीखने में दिलचस्पी रखता हो। शिष्य माने चेला या फिर जो सीखने वाला व्यक्ति है उसको हम कह सकते हैं शिष्य। तो फिर आगे कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के साथ संगत करने वाले यानी गाना गाने वाले और बजाने वाले लोग होते हैं, उन्हें संगतकार कहते हैं। मुख्य या प्रधान गायक के गंभीर स्वर के रूप में साथ ही कमजोर किंतु मधुर आवाज़ में जब कोई गाता है तब संगतकार या अधिकांश स्थलों पर गायन का छोटा भाई कह सकते हो। गायन का छोटा भाई मतलब उसको चेला जो है जो अभी सीख ही रहे नया नया, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। कवि कहता है कि पुराने ज़माने में ऐसी परंपरा चलती आ रही है, जब कोई मुख्य गायक गीत गाता है
गीत गाते हुए मोहक दुनिया में खो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, अर्थात या अथवा अंतरे में सुन तान तथा बारीकियों में उलझ जाता है और उसमें वह रम जाता है, तब संगीतकार ही स्थाई या टेक को बार बार गाकर समा बांधता है। जब कोई संगीतकार एक ही चीज़ को बार बार गाता है तो वो उसमें फंस जाता है या उलझ जाता है, जिसको फिर संगीतकार जो होता है उसको किस तरह से निखारता है वो यहाँ पर बताया गया है। और फिर कवि अपने गायन के माध्यम से आगे की पंक्तियाँ बताते हुए कहते हैं, गायन जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम में लांझ कर चल जाता है तो भटकता हुआ एक अनहद में तभी संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। जैसे सिमटा हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सम्मान, जैसे ही याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं तो अब हम बताएंगे। कवि ने यहाँ पर कहा कि कभी कभी मुख्य गायक अपनी सरगम या उत्पन्न होने वाले आनंद से किसी तरह से दिव्य लोक के स्वर्गारिक आनंद की अनुभूति करते हैं, तब वे उसे बाहर जगत की सुध की नहीं रहती योग साधना तथा ऐसी आनंद यासिनी स्थिति में श्रोताओं को संगीत के जोड़े रखने के लिए संगीतकार ही करता है। कवि यहाँ तक कि एक अनुपम उदाहरण देते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने चले जाने के बाद कोई कुछ छूट गया हो तथा उसका सामान सहोज कर या सजो कर रख देते हैं। कवि आगे यह भी कहते हैं कि संगीतकार अपने टेक के मुख्य गायक को ये याद दिलाता रहता है कि कभी भी वह नया नया सीखने वाला था। वो बताता है कि कभी जो है वो भी एक नया नया सीखने वाला गायक था, आज जैसे महान गायक नहीं था। इस प्रकार की आवाज़ तथा जादू के बचपन को याद दिलाता है। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो ख़त्म होता है। अब इसकी विशेषता बताते हैं, पद में क्या क्या विशेषता है। प्रस्तुत काव्यांश में सरल सुंदर खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में उन्हें भावों पर घट भर दिया गया है। संगीत में संबंधित तान स्थाई सरगम आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जटिल तानों के जंगल से यहाँ पर अवतल की गहराइयों को बताया गया है। प्रस्तुत कविताओं में शैली में अंतुकान रचना करी गई है। कवि ने मुख्य गायन के साथ साथ उसके सहयोगी की महत्ता को स्वीकार भी करा है। तो इस तरह से कवि अपना पहला पद गाते हुए बताते हैं। अब कवि दूसरे पद में बोलते हैं, तार स्पातक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हो जाता है, आकाश में राख जैसे कुछ गिरता हुआ तभी गायन को डढ़ास बांधता हुआ कुछ चला आता है, संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है। तो यहाँ तक कवि बताते हैं अकेला नहीं है। इस जगह तक हम आपको पहले बताते हैं व्याख्या। अब अपनी व्याख्या के अंदर कवि ने काफ़ी सारे कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि इसका हम आपको मतलब बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला सप्तक का अर्थ है सात स्वरों का समूह, कोई भी सात स्वरों का समूह जिसको हम सप्तक कहते हैं। लेकिन ध्वनि या आवाज़ की ऊंचाई और निचाई का आधार गीत तथा संगीत की तरह सप्तक माने जाते हैं। उसके बाद वो मध्य सप्तक कहते हैं, साधारण व सामान्य ध्वनि को क्या कहते हैं, मध्य सप्तक। मध्य सप्तक से ऊपर ध्वनि को तार सप्तक कहते हैं, जो कि अभी कवि ने शुरू में अपनी व्याख्या में मैंने आपको पढ़ाया था। कहते हैं कि यानी कांपती ऊंची अवकाश और मध्य सप्तक से नीची अवकाश को मंद सप्तक कहते हैं। उत्साह अस्त होना का मतलब होता है कि उत्साह जो है ख़त्म होना। राख जैसे कुछ गिरता हुआ, इसका मतलब होता है बुझता हुआ स्वर। उसके बाद या फिर आप कह सकते हो भेजा न आवाज़, ठीक है। डाढ़स बाढ़ता मतलब होता है तसल्ली देना, किसी को तसल्ली में बांधना, संतावना देना भी कह सकते हो। हिचक मतलब होता है झिझक, विफलता पराजय या हार, मनुष्यता मतलब आपकी मानवता, ठीक है। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं अब हम। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि तार सप्तता, जो मैंने अभी आपको बताया था तार सप्तता क्या होता है, जो कि मध्य सप्तक की ध्वनि को तार सप्तक भी कहते हैं, इनमें मैंने अभी पढ़ाया था ऊपरी था। उसके बाद वो बोलते हैं ऊंची अवकाश में गाते हुए मुख्य गायन यानी कि गायिका का स्वर उखड़ने लगता है,
और गला बैठने लगता है। आपने देखा होगा जब कोई ज़्यादा देर तक गाता या बोलता है तो उसका गला कैसे दुखता है। तब सप्तरंगा मतलब कि सतरंगा यहाँ पे कह सकते हैं संगीतकार अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसको निताश हरास अवस्था से उभारने का प्रयास करता है। और जब वो बंदा थकने लगता है तो जो संगीतकार होता है वो अपनी आवाज़ देकर उसको किसी तरह संभालता है। लगातार ऊंचे स्वर में गाते रहने से गायक की सांस जो है वो भी उखड़ने लगती है। आप कह सकते हो जो गायक है उसकी सांस जो है काफ़ी थक जाती है तो उखड़ने लग जाती है। तब संगीतकार अपनी टेक के द्वारा उसे संभाल लेता है और अपने अनुभवों से इसके अनुष्ठान में एक अकेले नहीं बल्कि कवि यहाँ तक कि गायक आकाश में राख जैसा कुछ गिरता हुआ देखता है। कवि कहता है कि कहकर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके स्वर बुझने से लगते हैं परंतु पहले वह उत्साह शेष नहीं रह जाता। तब संगीतकार अपनी कोमल अवकाश की सहायता से उसे उभार लेता है। संगीतकार तब उसे मानो संतावना देता है कि निराश मत हो, हम अब तुम्हारे साथ हैं, पहले की भांति पूरा दम से दोबारा फिर से गाया जा सकता है। तो इस तरह से कवि और फिर उसके आगे कवि बताते हैं। कवि फिर आगे कहते हैं अपने जो संगीतकार या अपने शिष्य से वो कहते हैं और ये कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग उसकी आकाश में एक हिचक साफ सुनाई देती है या फिर अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश में विफलता नहीं वो मनुष्य की समझा जाना चाहिए। वो आगे इस माध्यम से कहते हैं कि वो इस बात की ओर संकेत करते हैं। उस समय संगीतकार की आवाज़ या फिर बोल सकते हो आप आवाज़ ही बोल सकते हो आवाज़ बोल सकते हो एक ही बात है, आवाज़ में एक प्रकार की झिझक या साफ अनुभव की जा सकती है मानो वो संकोच से गा रहा था या फिर वो बोल सकते हैं ताकि वह स्वर मुख्य गायन या गायिका के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए, वो हमेशा की तरह अपनी आवाज़ को नीचे रखता है। कवि कहता है कि आगे ऐसा करने का मतलब उसकी असफलता या कमजोरी ही नहीं बल्कि मुख्य गायन गायिका का मान बढ़ाए रखना कहलाता है। इसी को कवि ने अपनी मानवता का महत्व बताया है। कवि इसके अंदर विशेष बातें जो हैं पंक्ति में वो बताते हैं। मुक्त छंद तथा आगंतुक शब्दों की कवि ने काफ़ी सारी रचना करी है। उसके बाद कवि ने फिर कहा इसमें सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है जिसमें प्रतीकात्मक शब्दों को जैसे कि प्रेरणा साथ उत्साह अस्त आदि जैसे सुंदर समुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि ने तीसरी पंक्ति में कहा कवि ने अति साधारण संगीतकार के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भरपूर सराहना करी है, मतलब कि ऐसा योगदान जो कि अभी कोई नवसिखिया है उसके संगीत के बारे में बताते हैं। भावान कुलमक प्रतियोगिता का उपयोग हुआ यहाँ पे उनके भावनात्मक जो शैली है उसका इस्तेमाल करते हुए आगे कवि बताता है। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना ताकि सारी प्लेलिस्ट में आपको इसी तरह की वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय।